हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि क्या इंपॉर्टेंस रहती है क्लासिफाई करने की ऑर्गेनिजम्स को। शुरू से ही रही है, बिकॉज यू सी ह्यूमन बीइंग्स को जब कोई प्लांट्स को एनिमल्स को अपने यूज़ के लिए उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना होता था, तो दे वॉन्टेड कि दे शुड नो कि भी हाँ ये कौन क्या किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था, जहाँ पे उन्होंने प्लांट्स को, जितने भी प्लांट्स थे उनको हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के अंदर क्लासिफाई किया, और वहीं पर एनिमल्स जो थे उनको उन्होंने क्लासिफाई किया इनटू एनिमल्स विद रेड ब्लड एंड एनिमल्स विदाउट द रेड ब्लड। तो अब जो है कि हम बात करें कि उसके बाद फिर जैसे ही टाइम आगे गया और लीनियस का टाइम आया, तो लीनियस ने इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा और बेटर किया और उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को या तो फिर प्लांट्स और या फिर एनिमल्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया। लेकिन अभी भी उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे थे और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को छोड़ दिया, जिसकी वजह से प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप में आ गए, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप में आ गए, इसी तरह ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो पाया। तो ज़रूरत थी, बाद में जैसे जैसे टाइम और आगे गया, रियलाइजेशन हुआ कि देर हैज टू बी अदर क्राइटेरिया विच शुड बी डिसाइडिंग फैक्टर्स एज टू हाउ द ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन देयर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, की जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं वो क्या हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये सब फैक्टर्स को भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके चलते फिर आगे आर एच विटेकर ने 1959 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम हमें दिया, जिसके अंदर उन्होंने मेन क्राइटेरिया जो रखा गया क्लासिफिकेशन, दैट वाज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ की इंपॉर्टेंस जानी कि प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ हम नहीं रख सकते, दोनों को अलग अलग ग्रुप के अंदर रखना ज़रूरी है। सेम वे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है कि कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर हैं, तो उनको भी हम एक किसी ग्रुप में नहीं रख सकते हैं। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ हेटरोट्रॉफिक हैं और होलोजोइक हैं, यानी कि जो अपना फूड खुद बनाते हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दे आर हेटरोट्रॉफिक एज यू ऑल नो। तो इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स जो स्पेशली प्लांट्स जो हैं उनको ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक अलग अलग ग्रुप्स में रखना चाहिए, तो सभी एक किंगडम में या एक ग्रुप में नहीं आ सकते। और कुछ प्रोड्यूसर्स हैं तो प्रोड्यूसर्स को प्लांट्स में आ गया, कंज्यूमर्स हैं तो दे केम अंडर एनिमल्स में आ गए, और साथ ही साथ फिर कुछ और अलग ग्रुप्स थे जो डीकम्पोजर्स थे, जैसे बैक्टीरिया है या फंजाई है, वो भी दे कैनॉट बी क्लब्ड टुगेदर विद द producers and consumers. Then phylogenetic relationships were also taken into consideration. Five kingdom classification जो फिर निकल के आया, that was kingdom Monera, जिसमें कि bacteria थे। Bacteria are the organisms जो maximum amount में आप कह सकते हो सकते हैं, and mainly इसका जो criteria रहा वो ये था कि they were unicellular as well as prokaryotic. वहीं दूसरी तरफ यूनिसेलुलर के जो बाकी ऑर्गेनिजम्स थे बट दे वर यूकैरियोटिक, उनको उन्होंने फिर किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। देन नेक्स्ट वाज किंगडम फंजाई। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म बचे, नॉर्मली पहले जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन हुई थी तो उसमें ये प्रॉब्लम आया था, फंजाई एंड प्लांट्स दे वर केप्ट टुगेदर इन वन सिंगल ग्रुप, उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिकम्स वन वेरी बिग डिसएडवांटेज, क्योंकि जो फंजाई हैं दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वेयर एज जो प्लांट्स हैं दे हैव क्लोरोफिल एंड दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। किंगडम एनिमलिया में आए जितने भी बाकी के बचे हुए मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मेनली बिकॉज दे कैन दे शो लोकोमोशन, दे एग्जिबिट लोकोमोशन, जबकि प्लांट्स एक जगह फिक्स रहते हैं, वेयर एज एनिमल्स दे मूव अबाउट। तो इस डिफरेंस के ऊपर इन दोनों को अलग अलग किया गया। सबसे पहले अब मैं स्टार्ट करूंगी फर्स्ट किंगडम से, विच इज किंगडम ऑर्गेनिज्म। शेप के ऊपर इनको चार ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया,
जिनकी बैक्टीरिया की शेप स्फेरिकल थी उनको कोकस, जिनकी रॉड शेप थी उनको बैसिलाए, जिनकी स्पाइरल थी उनको स्पिरिलियम, और फर्दर जिनकी शेप थी कॉमा की जैसे थी उनको विब्रियो। तो इस तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं आर्की बैक्टीरिया की, तो ये बहुत ही हार्श कंडीशन में रहते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की है कि हेलोफाइल्स होते हैं इनके आगे क्लास, जैसे जो सेलाइन कंडीशन में रह सकते हैं। देन देयर आर थर्मो एसिडोफाइल्स जो हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, और फिर मेथनोजेंस हैं जो कि कैटल के कैटल जो होती हैं रूमिनेंट्स कहते हैं जिन्हें हम, उनके गट में पाए जाते हैं, और ये हेल्प करते हैं, इन्हीं की वजह से मिथेन गैस जो है प्रोड्यूस होती है। दे आर बेसिकली एजेंट्स विच प्रोड्यूस मिथेन गैस यूजिंग द काउ डंग और द वेस्ट ऑफ द रूमिनेंट्स। द नेक्स्ट वी मूव ऑन टू यू बैक्टीरिया। ये ट्रू बैक्टीरिया है और इनका इनको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, और इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत रिजिड होती है, प्लस ये मोटाइल होते हैं, और इनकी जो मोटिलिटी का जो मेन रीजन है दैट इज अ फ्लैजेलम दैट इज प्रेजेंट ओवर देयर। इनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर। ऑटोट्रॉफिक होते हैं जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि जो अपना फूड खुद बनाते हैं। साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, दे हैव क्लोरोफिल और ये यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस रहते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन बोथ मेरीन एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। और इनके बाहर एक म्यूसिलियस एक जेलेटिनस शीथ होता है तो वो प्रेजेंट रहता है इनके अंदर, और दे फॉर्म ब्लूम्स एंड दे कैन फिक्स नाइट्रोजन इन हाइड्रोसिस। और एग्जाम्पल जो इनके हैं वो हैं नॉस्टॉक और एनाबिनम। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इन दिस ऑक्सीडाइज जो होते हैं ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, नाइट्रेट्स है, नाइट्राइट्स है, एमोनिया, उनसे जो एनर्जी बनती है दैट इज यूज टू मेक एटीपी। मोरओवर दे आर ऑल्सो यूज दे ऑल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, आयरन एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक सूडोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। देन वी विल टॉक अबाउट हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये सबसे ज़्यादा मेजरली अबंडेंटली जो अवेलेबल हैं अर्थ पे वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर ही आते हैं, और ये दे आर प्रेजेंट एज डीकम्पोजर्स। और ये जैसे भी जो भी डेड और डेड मटीरियल होता है उसको डीकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करने का काम करते हैं। देन दे आर ऑल्सो हेल्पिंग द ह्यूमन बींग्स इन वेरियस वेज, लाइक कर्ड है मिल्क से बनता है तो वो भी हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है हमारा लैक्टिक एसिड बैसिलस वो उसमें इन्वॉल्व रहता है। एंटीबायोटिक्स के सिंथेसिस में नाइट्रोजन फिक्सिंग के अंदर जो कि राइजोबियम जैसे आपने देखा है कि इसका बड़ा मेजर रोल रहता है, इट्स प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। तो ये इस तरह से करते हैं, लेकिन साथ ही साथ दे आर पैथोजेनिक ऑल्सो। पैथोजेनिक मीन्स लाइक जो विच कॉज द डिजीज, एंड डिजीज जैसे कि कॉलेरा हो गया, टीबी हो गया, डायरिया हो गया, निमोनिया हो गया, ये सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं विच आर कॉज बाय डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया। अब अगर मैं इनके रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो दे नॉर्मली डिवाइड बाय बाइनरी फिशन, और साथ में ही इनका स्पोर फॉर्मेशन जिस टाइम पे अगर अनफेवरेबल कंडीशन हैं तो दे गेट कन्वर्टेड टू स्पोर्स। देन देयर इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिजम्स विद नो सेल वॉल, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, एंड दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, दैट मीन्स दे आर एनारोबिक, और दे हैव बीन फाउंड टू बी कॉजिंग पैथोलॉजीज इन वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये एनारोबिक भी हैं। सो विद दिस वी एंड विद दिस किंग